नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटॉक्स और आज हम बात करने जा रहे हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में 34वां सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और विभिन्न जगहों के लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में यह आयोजन लगातार 34वें हो रहा है और यहां पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। अतिथियों ने जो सलाह दी उसे सुनिए। 34वां यातायात सड़क सुरक्षा को लेकर आज हमारे बलौदाबाजार जिला यातायात कार्यालय में निश्चित ही इसमें एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, क्योंकि सुरक्षा संबंधी जानकारी हमारे यहाँ पर अधिकारी लोग दिए कि हमें कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रखें, डिसिप्लिन रखें। इन बातों को लेकर महीनों तक कार्यक्रम चलता रहा और इस कार्यक्रम का आज समापन हुआ। आज 34वें सड़क सुरक्षा जो माह का समापन किया गया, उस उपलक्ष्य में हम पूरे बलौदाबाजार जिले के सभी लोगों से अपील करेंगे कि वो यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें और सुरक्षित होकर के वाहन चलाएं, जो भी आवश्यक दस्तावेज है उनको लेकर के चलें। नियमों को पूरी तरह से पालन करते हुए चलेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका घर सुरक्षित रहेगा, सब अच्छे से रहें और जीवन को लाइफ को खुशी खुशी मतलब एंजॉय करें, ताकि आपके जीवन में वाहन चलाते समय किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। खासकर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करना है, कहीं अगर टर्निंग है तो वहाँ स्लो होकर के चलना है, सीट बेल्ट लगा लेना है, हेलमेट लगा लेना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लेना है। कभी भी किसी तरह की ऐसी परेशानी नहीं होगी, तो आप इन सभी चीज़ों का पालन करें और सुरक्षित रखें, अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और ये चीज़ें सभी लोगों तक आप जो भी आपके पड़ोसी हैं जानकार हैं सभी तक पहुंचाएं। सर, जिले में मृत्यु दर यहाँ दुर्घटना से बढ़ी है, जिले में 2 साल से ज़्यादा, उसमें अभी समीक्षा करने के बाद जो है उस पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, PWD और स्टेक होल्डर्स से बात करके उसके ऊपर आगे हम लोग एक रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि उनमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा कमी लाया जा सके।